morning, my dear students and faculty members who are watching this video and this channel. Myself, Dr. K.C. Soni, Associate Professor in Zoology, Government Lohia PG College, Churu, affiliated to Maharaja Ganga Singh University, Bikaner. In the lecture series of entomology, today I will deliver my talk on structure and functions of leg. जैसा कि आपको पता है कि जूलॉजी डिपार्टमेंट के द्वारा समय समय पर विभिन्न सब्जेक्ट्स पर व्याख्यानमालाएँ आयोजित की जा रही है. एंटोमोलॉजी की इस व्याख्यानमाला की श्रृंखला में आज मैं अपना लेक्चर टांगों की स्ट्रक्चर, इंसेक्ट में जो टांगे होती है उनकी बेसिक आर्किटेक्चर कैसी है और इंसेक्ट में कितने प्रकार की टांगे पाई जाती है, क्योंकि अलग अलग इंसेक्ट की अलग अलग हैबिट और हैबिटेट होती है. कुछ एक्वेटिक इंसेक्ट होते हैं, कुछ मिट्टी में बिलो बना के रहते हैं, कुछ पैरासिटिक प्रकार के होते हैं. तो अलग अलग हैबिट और हैबिटेट होने से इनके टांगों में कुछ मॉडिफिकेशंस देखने को मिलते हैं. तो दो पार्ट में आज मैं ये व्याख्यान अपना मेरा कवर करूँगा. सबसे पहले टांगों की बेसिक स्ट्रक्चर कैसी है, टांगों में बेसिक कंपोनेंट कौन कौन से हैं, और उसके बाद में फिर इसका जो सेकेंड पार्ट होगा वो टाइप्स ऑफ लेग्स या मॉडिफिकेशन ऑफ लेग्स पे फोकस रहेगा. सो इसका फर्स्ट पार्ट स्ट्रक्चर ऑफ लेग, टांगों की संरचना. अब जो एपोडस लार्वी होती है, इसके अलावा कुछ स्पेशल इंसेक्ट्स हैं जिनकी एडल्ट स्टेज में भी टांगे नहीं होती है, वो एक तरह का सेकेंडरी एडेप्टेशन हो सकता है. तो एपोडस लार्वी और स्पेशल इंसेक्ट्स को छोड़कर लगभग सभी इंसेक्ट्स के एडल्ट में तीन जोड़ी टांगे पाई जाती है. एक जोड़ी टांगे प्रोथोरेक्स पर, एक जोड़ी मीजोथोरेक्स पर, एक जोड़ी मेटाथोरेक्स पर. अब ये टांगे चलने के काम में तो आती है, वॉकिंग पर्पज़ के लिए तो है ही, इसके अलावा अलग अलग पर्पज़ के लिए भी मॉडिफाई हो जाती है. कुछ इंसेक्ट में ये गड्ढे खोदने के लिए अडेप्ट हो जाती है, कुछ इंसेक्ट में शिकार को पकड़ने के लिए अडेप्ट हो जाती है, उसमें कॉपुलेशन के इसमें फीमेल को ग्रेस्प करने के लिए, फीमेल को होल्ड करने के लिए मॉडिफाई हो जाती है. जो बालों में पैरासाइट्स होते हैं, पेडिकुलस जैसे जू हैं, वो बालों में लटकने के लिए मॉडिफाई हो जाती है. हनीबी में नेक्टार को कलेक्ट करने के लिए इनकी टांगें मॉडिफाई हो जाती है. लेकिन बेसिक जो आर्किटेक्चर होगा एक टिपिकल लैब का, उसके अंदर छः कंपोनेंट्स पाए जाते हैं, या एक टिपिकल लेग जो होती है ये छः सेगमेंट्स की या छः पार्ट की बनी होती है. फर्स्ट पार्ट इज कॉक्सा, सेकंड कंपोनेंट इज ट्रंकेटर, थर्ड कंपोनेंट इज फीमर, फोर्थ कंपोनेंट इज टीबिया, फिफ्थ कंपोनेंट इज टार्सस, और लास्ट जो छठा सेगमेंट होता है ये कहलाता है प्री टार्सस. इस फिगर में आप देख रहे हो दिस इज कॉक्सा, सिंगल सेगमेंट हेड है, दिस इज ट्रंकेटर सिंगल सेगमेंटेड है, दिस इज फीमर सिंगल सेगमेंटेड है, टीबिया सिंगल सेगमेंटेड है लेकिन टांगों का सबसे लंबा पार्ट होता है, टार्सस ये चार से पांच सेगमेंट का बना होता है, और इनके जो इंडिविजुअल जो सेगमेंट हैं ये टार्सोमियर के नाम से जाने जाते हैं. कंप्लीट यूनिट को टार्सस बोलेंगे, और टार्सस के जो इंडिविजुअल जो सेगमेंट्स हैं इनको टार्सोमियर्स के नाम से जाना जाता है, और अंतिम जो सेगमेंट होता है ये प्रीटॉर्सस कहलाता है, और इसके अंदर ये दो नखर जैसी रचनाएं होती है क्लॉज के रूप में. फर्स्ट पार्ट इज कॉक्सा. कॉक्सा टांगों का इनिशियल सेगमेंट है, इनिशियल पार्ट है, लगभग ट्रायंगुलर प्रकार का होता है, काफ़ी मजबूत होता है, और थोरेक्स में जो प्लूरॉन जो होता है साइड के अंदर
क्योंकि थोरेक्स में डोर्सल सरफेस के ऊपर तो टर्गम है, वेंट्रल सरफेस के ऊपर स्टर्नम है, और बीच का जो पार्ट होता है दोनों साइड में जिसको प्लूरोन बोलते हैं, ये प्लूरोन लार्वल स्टेजेज में तो मेम्ब्रेनस प्रकार का होगा, लेकिन अडल्ट में ये स्क्लेरोटाइज हो जाता है। और इस प्लूरोन के अंदर दोनों तरफ कॉक्सल कैविटी होती है, इस कॉक्सल कैविटी में ये टांगों की जो कॉक्सा होती है ये फिट रहती है, इट इज़ फिटेड इन कॉक्सल कैविटी। अब कॉक्सा और कॉक्सल कैविटी का जो जॉइंट है ये बाल और सॉकेट टाइप के जॉइंट के जैसा होता है, हैं जैसे अपने हाथों में जो फीमर ह्यूमरस है, ह्यूमरस के यहाँ पर हेड है, राउंड हेड है, और ये राउंड हेड जो होता है ये पेक्टोरल गर्डिल की कैविटी के अंदर फिट है। और बाल सॉकेट टाइप के जब जॉइंट होते हैं तो उन रचनाओं के अंदर क्या होता है, फ्री मोमेंट होती है, इनको 360 डिग्री से आप कैसे भी रोटेट कर सकते हो, लेकिन इंसेक्ट में जो टांगे हैं वो 360 डिग्री पे रोटेट नहीं होती है। इसका मेन रीज़न क्या है कि इस कॉक्सा के पास में ही एक ट्रोंकेटिन नामक रचना और पाई जाती है, और इस ट्रोंकेटिन रचना से ये कॉक्सा वाला जो पार्ट है ये बहुत रिजिडली अटैच होता है, बहुत दृढ़ता से अटैच होता है, और इस ट्रोंकेटिन से एसोसिएशन के कारण इस कॉक्सा में जो मोमेंट है वो लिमिटेड हो जाती है, यानी 360 डिग्री में रोटेशन नहीं हो पाएगा। हालांकि इसका जॉइंट है वो फ्री मोमेंट वाला है, इसका जॉइंट है वो बाल सॉकेट जैसा जॉइंट है, लेकिन ट्रोंकेटिन अटैच होने के कारण इसकी मोमेंट को लिमिटेड कर देता है, और केवल लिमिटेड मोमेंट ही हो पाती है, और इंसेक्ट जब चलता है क्रॉलिंग करता है तो उस क्रॉलिंग में ये लिमिटेड मोमेंट ही होती है। कुछ इंसेक्ट है वो तेज़ी से दौड़ते भी हैं, जैसे कॉकरोच है, मान लीजिए कॉकरोच है बहुत तेज़ी से दौड़ता है, लेकिन फिर भी इस ट्रोंकेटिन की प्रेजेंस के कारण इस कॉक्सल की जो मोमेंट है ये लिमिट हो जाती है, सीमित हो जाती है। और ये टांगों का फर्स्ट पार्ट है, दैट इज कॉक्सा। अब कॉक्सा के बाद में सेकंड जो पार्ट है इसका, दैट इज ट्रोंकेटर। ट्रोंकेटर ये भी बहुत छोटी स्ट्रक्चर है, हाईली रिजिड होती है, और कॉक्सा और ट्रोंकेटर के बीच में डाइकोंडाइल एक जॉइंट है, यानी कॉक्सा और ट्रोंकेटर इसके बीच में जो जॉइंट है ये जॉइंट डाइकोंडाइलिक प्रकार का होता है, और ये रचना भी छोटी है, स्क्लेरोटाइज्ड है, बहुत मजबूत होती है, बहुत रिजिड होती है, और एक तरह से अपने कोहनी जैसे है, कोहनी के जैसे ये रचना है। इसके बाद में तीसरा पार्ट जो है इसका, दैट इज फीमर। फीमर है ये ट्रोंकेटर से बड़ा होता है, और फीमर के अंदर रेजिलिन प्रोटीन्स पाई जाती है, और इंसेक्ट में जो जंपिंग कैपेसिटी है, जो फ्लाइट कैपेसिटी है वो इस फीमर की वजह से है, क्योंकि फीमर के अंदर रेजिलिन नामक स्पेशल प्रोटीन्स पाई जाती है, और फीमर जो है वो टांगों का सबसे मजबूत पार्ट है, हाईली रिजिड पार्ट, सबसे मजबूत भाग है, सबसे दृढ़ भाग है, और इस फीमर में रेजिलिन प्रोटीन की वजह से इनके अंदर जंपिंग कैपेसिटी होती है। जो इंसेक्ट जंप लगाते हैं, छलांग लगाते हैं, उनकी टांगों में आप फीमर देखना, आपको बहुत बड़ी साइज की मिलेगी, विशेषकर ग्रास ओपर्स जैसे आपने देखे होंगे, आजकल रेनी सीजन है, ग्रास ओपर काफ़ी घरों में आ जाते हैं, खेतों में काफ़ी है, और उन ग्रास ओपर्स के आप फीमर आप देखो तो फीमर काफ़ी उसके अंदर स्टाउट हैं, काफ़ी हाईली डेवलप्ड हैं, काफ़ी मजबूत हैं, काफ़ी मोटी है। अब फीमर के बाद में नेक्स्ट जो पार्ट आएगा, दैट इज टीबिया। टीबिया जो है ये टांगों का सबसे लंबा पार्ट है, पतला होता है, मजबूत होता है, और टांगों इस टीबिया के ऊपर छोटे छोटे फाइबर जैसी स्ट्रक्चर्स भी पाई जाती है, जो एक तरह से नुकीले कांटे के समान होते हैं, स्पाइन के समान रचनाएं होती है। सो टीबिया इज़ द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ लेग, इट इज़ सपोर्टेड बाई फाइन ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर्स विच आर कॉल्ड एज स्पाइन। अब यहाँ पर फीमर और टीबिया के बीच में जो जॉइंट होता है ये जॉइंट भी डाइकोंडाइलिक है। फीमर और टीबिया के बीच में ये जो जॉइंट है ये जॉइंट भी डाइकोंडाइलिक है। अब टीबिया के बाद में नेक्स्ट जो पार्ट आएगा इसका, दैट इज टार्सस। टार्सस है ये भी टीबिया के जैसे लंबा होता है,
लेकिन टार्सस में सेगमेंट की संख्या एक से ज़्यादा होती है, एक भी हो सकती है, दो भी हो सकती है, मैक्सिमम पांच इसके अंदर सेगमेंट हो सकते हैं, और इसका एक इंडिविजुअल सेगमेंट जो होता है वो कहलाता है टार्सोमियर। तो इस बात को अपन यूँ कह सकते हैं कि टार्सस इज मेड अप ऑफ मैनी सेगमेंट्स विच आर कॉल्ड एज टार्सोमियर्स, और टार्सोमियर की संख्या एक से लेके पाँच तक हो सकती है। कुछ इंसेक्ट में एक टार्सस है, कुछ में दो टार्सोमियर हैं, तीन हैं, चार हैं, पाँच हैं। और इसका जो पहला जो टार्सोमियर होता है जो इस टीबिया के साथ अटैच रहता है, इसको बोलते हैं बेसी टार्सस। बेसी मीन्स बेशल। तो टार्सोमियर का पहला खंड जो टीबिया के साथ जुड़ा हुआ है इसको बेसी टार्सस के नाम से जाना जाता है। प्रत्येक टार्सोमियर में छोटी गद्दी भी पाई जाती है, और ये जो गद्दियाँ होती हैं इनको पल्विलस के नाम से जाना जाता है। टार्सोमियर में दोनों तरफ हैं माइन्यूट स्पंज के समान, पैड के समान छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स हैं, और ये स्ट्रक्चर्स पल्विलस के नाम से जानी जाती है। और लास्ट जो पार्ट होता है टांगों का, इट इज़ कॉल्ड एज प्री टार्सस। तो टांगों का जो अंतिम पार्ट है ये प्री टार्सस के नाम से जाना जाएगा। और प्री टार्सस में दोनों तरफ ये नखर की जैसी रचना है जिसको क्लॉज या अंग्यूस के नाम से जाना जाता है, और इन दोनों क्लॉज के बीच में एक गद्दी होती है जिसको एरोलियम बोलते हैं। ये इस पार्ट का एनलार्ज डायग्राम यहाँ पर दिखाया है। दिस इज एनलार्ज पोर्शन ऑफ टर्मिनल पार्ट ऑफ ए लेग। और इस आवर्धित डायग्राम में आप देख रहे हो ये इसके अंदर दोनों तरफ ये क्लॉज हैं, नखर जैसी रचना है, और इनको अंग्यूस के नाम से जाना जाता है। दोनों क्लॉज के बीच में एक गद्दी है, इस गद्दी को एरोलियम के नाम से जाना जाता है। और इन क्लॉज के नीचे एक प्लेट होती है छोटी, इस प्लेट को अंगीटेक्टर प्लेट के नाम से जाना जाता है। और इनका जो टार्सोमियर जहाँ से अटैच है, क्योंकि ये जो वाला जो पार्ट है ये लास्ट पार्ट, इस टार्सोमियर्स में इसमें छोटी एपोडीम्स पाई जाती है। इन एपोडीम्स के साथ डिप्रेसर मसल्स जो होती है वो जुड़ी रहती है, और डिप्रेसर मसल्स के कारण क्या होगा, टांगों में जो डिप्रेशन होता है, एलिवेशन होता है, वो इस मसल्स की वजह से होता है। अब यहाँ पर टार्सोमियर के बीच में, ये टार्सोमियर है, टार्सोमियर के बीच में जो इंटरसेगमेंटल जो जॉइंट होता है इसमें कोई कॉन्डाइल जैसी संरचना नहीं है, यानी यहाँ पर न तो कोई मोनोकॉन्डाइलिक एसोसिएशन है, न इसमें डाइकॉन्डाइलिक एसोसिएशन है, केवल मेम्ब्रेनस टाइप का जॉइंट जो होता है वो दो टार्सोमियर्स के बीच में पाया जाता है। तो ये एक बेसिक आर्किटेक्चर है एक टांग का। और इस तरह की जो बेसिक आर्किटेक्चर है जनरली ऑर्थोप्टेरा के जो इंसेक्ट है जिसमें ग्रास ऑफर है, क्रिकेट है, प्रेइंग मेंटिस है, उनमें इस तरह की बेसिक आर्किटेक्चर जो होगी वो देखने को मिलेगी। तो एक बार मैं फिर इसको आप ब्रीफ कर दूँ। हर इंसेक्ट में तीन जोड़ी टांगें होंगी, एक जोड़ी टांग प्रोथोरिक्स में, एक जोड़ी मीजोथोरिक्स में, एक जोड़ी मेटाथोरिक्स में, और प्रत्येक टांग जो होती है वो प्लूरन में कॉक्सल कैविटी के अंदर अटैच होती है। अब कॉक्सल कैविटी और कॉक्सा का जो जॉइंट है वो फ्री टाइप का है, बाल सॉकेट टाइप का है, और उसके कारण एक टांग 360 डिग्री पे रोटेट हो सकती है। लेकिन कॉक्सल कैविटी के निकट ट्रोंकेटिन प्रेजेंट होता है, और ट्रोंकेटिन प्रेजेंट होने के कारण इसकी जो मोमेंट है वो लिमिटेड हो जाती है, केवल लिमिटेड मोमेंट ही होती है। और एक टांग छः सेगमेंट्स की, छः पार्ट की बनी है। लेग इज़ मेड अप ऑफ सिक्स पार्ट। फर्स्ट पार्ट इज कॉक्सा, सेकेंड इज ट्रोंकेटर, थर्ड इज फीमर, फोर्थ इज टीबिया, फिफ्थ इज टार्सस, और सिक्स्थ इज प्री टार्सस। कॉक्सा सिंगल सेगमेंटेड है, ट्रोंकेटर सिंगल सेगमेंटेड है, फीमर सिंगल सेगमेंटेड है, टीबिया सिंगल सेगमेंटेड है, और टार्सस जो होता है इसमें एक से लेकर पाँच तक सेगमेंट्स पाए जाते हैं, और इनका एक सेगमेंट जो होता है ये टार्सोमियर्स कहलाएगा। टार्सोमियर के बीच में जो जॉइंट है ये मेम्ब्रेनस प्रकार का है, और अंतिम जो सेगमेंट होता है इसमें दोनों तरफ क्लॉज है, क्लॉज के बीच में एरोलियम गद्दी है, और इसके नीचे अंग्यूट्रैक्टर प्लेट है, और इसके नीचे डिप्रेसर मसल्स को जोड़ने के लिए एपोडीम्स नामक रचनाएँ पाई जाती है। एपोडीम है वो एक तरह की अंत कंकाल है। तो इंसेक्ट में जहाँ भी इन्वेजिनेशन होगा उस इन्वेजिनेशन से बनने वाली जो रचनाएँ होती है वो मांसपेशियों के अटैचमेंट के लिए साइट प्रोवाइड करती है, और ये जो रचनाएँ होती है वो एपोडीम के नाम से, टेंटोरियम के नाम से जानी जाती है।
और इनके साथ जितने भी स्केलेटल मसल्स हैं, ऐच्छिक मांसपेशियां हैं, वो इसके साथ जुड़ी रहती है. सो इट इज़ ऑल अबाउट बेसिक आर्किटेक्चर ऑफ ए टिपिकल लेग. अब फंक्शन की बेसिस पे, हैबिट और हैबिटेट की बेसिस पे ये टांगे मॉडिफाइड हो जाती है. और इंसेक्ट में लगभग 8-9 टाइप की, अलग अलग टाइप की टांगे हैं, वो मैं अभी आपसे शेयर करूँगा विथ ग्राफिकल डायग्राम. सो इसका नेक्स्ट जो पार्ट है टाइप्स ऑफ लेग्स है, उस पर मैं चर्चा करूँगा. तो इंसेक्ट में फंक्शन की बेसिस पे या हैबिट और हैबिटेट की बेसिस पे लगभग अडेप्टेशंस के द्वारा 9 तरह की टांगे हैं इसके अंदर मॉडिफाई हो जाती है. फर्स्ट इज़ डिगिंग लेग. ये जो टांगे होती हैं ये ज़मीन में गड्ढे खोदने के काम में आती है. ग्रेस्पिंग लेग्स, ये किसी चीज़ को पकड़ने में, होल्ड करने में काम में आती है. ग्रूमिंग लेग्स, ये बॉडी के जो ऑर्गेन्स हैं, अपेंडिजेज हैं, उनको सजने संवारने में काम में आती है. जंपिंग लेग जो होती है ये छलांग लगाने में काम में आती है. स्विमिंग लेग जो होती है ये पानी में स्विमिंग में काम में आती है. क्लिंगिंग लेग जो होती है ये एक्टोपैरासाइट्स में पाई जाती है और किसी चीज़ से लटकने के अंदर ये हेल्पफुल होती है. और वॉकिंग लेग जो है ये चलने में काम में आती है. फॉरेजियल लेग जो होती है ये फॉरेजिंग में भोजन को ढूंढने में काम में आती है. और स्टिड्यूलेटिंग जो टांगे हैं ये ध्वनि के उत्पादन में, साउंड के प्रोडक्शंस में पार्टिसिपेट करती है. तो बेसिकली 9 तरह की मॉडिफिकेशंस टांगों में इंसेक्ट के अंदर देखने को मिलेगी. इन सभी को मैं एक एक करके आपसे शेयर करूँगा. फर्स्ट टाइप इज डिगिंग लेग या फॉसोरियल लेग्स. अब इसमें नाम से स्पष्ट है कि इस तरह की जो टांगे होती हैं ये ज़मीन में गड्ढे खोदने में काम में आती है. और ये टांगे मेनली जो ग्राइलोटाल्पा, यानी जिसको मॉल क्रिकेट भी बोलते हैं, उसके अंदर पाई जाती है. इसके अलावा स्क्रैबिडी फैमिली की जो बीटल्स हैं कॉलियोप्टेरा में, उन बीटल्स में इस तरह की टांगे पाई जाती है. ये फिगर आप देख रहे हो, ये तो जैसे मॉल क्रिकेट का है, ये स्क्रैब बीटल की टांगों का जैसे दिखाया है. और इसमें प्रोथोरेस की जो टांगे होती है इसके अंदर क्या होगा कि आगे वाला जो भाग है इसमें अंगुली जैसी स्ट्रक्चर डेवलप हो जाती है. इसमें आप देख रहे हो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर. और ये अंगुली रूपी जो रचनाएँ होती है ये ज़मीन में डिगिंग के अंदर काम में आती है. तो ग्राइलोटाल्पा अपने यहाँ काफ़ी मिलता है. और घरों के अंदर जो नालियाँ होती है, नालियों के अंदर भी इंसेक्ट नाइट के इसमें जनरली देखने को मिलता है. तो ज़मीन में गीली मिट्टी में गड्ढे खोदने के लिए ये टांगे हैं अडेप्ट हो जाती है. ये स्क्रैबिटी बीटल्स की जैसे टांगे दिखाई है, ये टांगे भी मिट्टी में गड्ढे खोदने के लिए मॉडिफाई हो जाती है. इसलिए इनको डिगिंग लेग अथवा फॉसोरियल लेग्स के नाम से जाना जाता है. तो पहली जो मॉडिफिकेशन है टांगों की, दैट इज़ डिगिंग लेग या फॉसोरियल लेग्स. सेकेंड टाइप जो है दैट इज़ ग्रेस्पिंग लेग या रेप्टोरियल लेग्स. अब इसमें ग्रेस का मतलब होता है किसी चीज़ को पकड़ना. रेप्टोरियल यानी रेप्टर्स की तरह, शिकारी जो पक्षी होते हैं जैसे वल्चर्स हैं, काइट्स हैं, ये सारे रेप्टर्स बर्ड्स के नाम से जाने जाते हैं. तो ये जो टांगे होती है ये शिकार को पकड़ने में काम में आती है. कॉपुलेशन के दौरान फीमेल पार्टनर को होल्ड करने में काम में आती है. और जितने भी प्रीडेटर इंसेक्ट्स हैं, प्रीडेसियस बीटल्स हैं, प्रीडेटर इंसेक्ट्स हैं, उनके अंदर ये टांगे पाई जाती है. नेपिडी फैमिली के अंदर जो इंसेक्ट है उनके अंदर ये टांगे पाई जाती है. जितने भी बग्स हैं उनके अंदर ये टांगे पाई जाती है. और डिस्टिकस जो इंसेक्ट है उसके अंदर ये टांगे पाई जाती है. यहाँ पर दो एग्जांपल जैसे मैंने बताए हैं. इस इंसेक्ट में आप देख रहे हो यहाँ पर ये एनल कप है, गद्दी जैसी रचनाएँ हैं. और ये एनल कप जो होती है इनका यूज क्या होगा, कॉपुलेशन के दौरान, मेटिंग के दौरान फीमेल पार्टनर को होल्ड करने में इन गद्दीदार रचनाओं का यूज होता है. और ये जो टांगे हैं ये शिकारी इंसेक्ट में जनरली पाई जाएगी. और प्रीडेटर, कई बार क्या होता है कि इंसेक्ट बहुत रोबस्ट होता है, बहुत एग्रेसिव होता है, बहुत आक्रामक होता है. क्यों, इंसेक्ट है वो भी एंटोमोफेगस नेचर के भी होते हैं कुछ इंसेक्ट, यानी इंसेक्ट को खाने वाले इंसेक्ट. और ये एंटोमोफेगस इंसेक्ट जो होते हैं वो शिकार को इन टांगों के द्वारा पकड़ लेते हैं और पकड़ के उनको फिर अपने टांगों के द्वारा ये माउथ के अंदर ले जाते हैं और उनको एज ए फीडिंग मटेरियल के रूप में इनको काम में ले लिया जाता है. तो पहली ये दो कैटेगरी की टांगे हो गई है, डिगिंग लेग
जिनको फॉसोरियल लेग के नाम से भी जाना जाता है, और सेकंड कैटेगरी दैट इज़ ग्रेस्पिंग लेग, इनको रेप्टोरियल लेग के नाम से भी जाना जाता है। इनके दो दो फिगर मैंने आपसे शेयर किए हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट जो कैटेगरी है दैट इज़ जंपिंग लेग, ग्रूमिंग लेग, स्विमिंग लेग, इनको मैं फिगर के द्वारा आपसे शेयर करूँगा। नेक्स्ट जो कैटेगरी है दैट इज़ ग्रूमिंग लेग। अब ग्रूमिंग लेग में नाम से स्पष्ट है कि इस तरह की जो टांगे होती है वो शरीर के उपांगों को साफ सफाई करने में, संवारने में काम में आती है। विशेषकर जो एंटीना है, एंटीना की सफाई करने में इन ऑर्गेन्स का यूज होता है। और ग्रूमिंग टांगे जो होती है ये न्यूरोप्टेरा के इंसेक्ट्स में पाई जाती है, डिप्टेरा ऑर्डर के सदस्यों में पाई जाती है, मॉस्किटोज में पाई जाती है, कुछ इंसेक्ट में टॉयलेट ऑर्गेन्स पाए जाते हैं, सिस्टोसरका जो होता है, सिस्टोसरका ग्रेगेरिया, उसके अंदर भी इस तरह की टांगे पाई जाती है। ये एक फिगर जैसे दिखाया है हनी बी का। तो हनी बी में क्या होता है कि जो फोर लेग्स की जो टांगे हैं उनके अंदर ये एक टॉयलेट ऑर्गेन्स पाया जाता है, और इस टॉयलेट ऑर्गेन के अंदर सूक्ष्म बालों की एक गुच्छा होता है। इस टॉयलेट ऑर्गेन के द्वारा एंटेना की सफाई की जाती है। कुछ इंसेक्ट में टांग फोर लेग जो है उसके अंदर इप्सिलेटरल मैकेनिज्म पाई जाती है। इप्सिलेटरल में क्या होगा, टांगे क्रॉस हो जाती है, और जिस तरह अपन कोई मान लीजिए कोई लकड़ी है उसको कपड़े से यूँ पकड़ के जैसे अपन साफ करें, तो ये इंसेक्ट क्या करते हैं अपनी टांगों से एंटीना को पकड़ के एंटीना के बेसल पार्ट से टर्मिनल पार्ट की तरफ अपनी टांगों को ये बारी बारी करते हैं और एंटीना की ये सफाई करने का काम करते हैं। तो ग्रूमिंग लेग्स वो लेग्स होती हैं जो बॉडी की ग्रूमिंग में, सजने संवरने में, साफ सफाई में जिनका यूटिलाइजेशन होता है। नेक्स्ट टाइप इज जंपिंग लेग, इसको साल्टेटोरियल लेग के नाम से भी जाना जाता है, और विशेषकर ऑर्थोप्टेरा के जो इंसेक्ट है, मेनली जो ग्रास होपर्स है, हाउस क्रिकेट है, ये इंसेक्ट 5-5 फीट तक ये जंप लगाते हैं, 5 फीट तक छलांग लगाने का काम करते हैं। और इन इंसेक्ट में फीमर वाला जो पार्ट है ये हाईली डेवलप्ड होता है। जितने भी जंप लगाने वाले इंसेक्ट होंगे उसके अंदर फीमर वाला जो पार्ट है सबसे मजबूत होगा। और इस डायग्राम में आप देख रहे हो बाकी के टांगों के पार्ट हैं वो इतने डेवलप नहीं हैं, लेकिन फीमर जो है वो हाईली डेवलप्ड होती है। और इस फीमर के अंदर रेजिलिन नामक स्पेशल प्रोटीन्स होती है, उन प्रोटीन्स के कारण इसमें जंपिंग कैपेसिटी है वो डेवलप होती है। और नेक्स्ट टाइप की जो टांग है दैट इज़ स्विमिंग लेग या नेटेटोरियल लेग्स। अब स्विमिंग लेग नाम से स्पष्ट है कि ये टांगे उन इंसेक्ट में पाई जाएगी जो पानी के अंदर रहती है, जैसे नेपा है, इसमें वाटर स्कॉर्पियन है, बेलास्टोमा है, रांट्रा है, और इस तरह के जो इंसेक्ट हैं इनकी टांगे पतवार के समान हो जाती है, पैडल के समान हो जाती है, क्योंकि इनको पानी को काटना पड़ता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो इनकी टांगे चपटी है, फ्लैट है, चपटी है, साइज बड़ी है, और पतवार के समान रचनाओं में ये कन्वर्ट हो जाती है। और इनके मार्जिन होते हैं उन पर फाइन हेयर की लाइन भी होती है, ये फाइन की हेयर की लाइन है, इन हेयर के बीच में बालों की एक पतली फिल्म बन जाती है, पानी की पतली फिल्म बन जाती है, और पानी को काटने में इनका विशेष योगदान होता है। और इस तरह की जो ब्लेड के समान जो रचनाएँ हैं हेयर लाइक जो चपटी है इनको स्विमिंग ब्लेड के नाम से भी जाना जाता है। तो जितने भी एक्वेटिक इंसेक्ट्स होंगे, डाइविंग बीटल्स होगी, उनके अंदर इस तरह की टांगें पाई जाती है। इसके बाद में फिर 4 अडेप्टेशन इसमें और है, क्लिंगिंग लेग, वॉकिंग लेग, फॉरेजियल लेग्स और स्टीडोलेटिन लेग्स, इनको भी मैं एक एक करके आपसे शेयर करूँगा। नेक्स्ट जो वैरायटी है दैट इज़ क्लिंगिंग लेग अथवा स्कैंसोरियल लेग। अब क्लिंगिंग से नाम से स्पष्ट है कि ये टांगे लटकने के काम में आती है, और क्लिंगिंग लेग जो होती है ये बॉडी लाइस जो होती है, जू जिसको बोलते हैं, तो ये मनुष्य के बालों में जैसे पाई जाती है, और बालों के साथ ये हुक के समान जो रचनाएं हैं इनके द्वारा ये लटकी रहती है। तो इन टांगों का जो मेन पर्पज़ है वो हाउस लाइस को बालों से लटकने के अंदर क्लिंगिंग में हेल्प करने में होता है, इसलिए इन टांगों को क्लिंगिंग लेग के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट लेग इज वॉकिंग लेग अथवा एम्बुलेटोरियल लेग्स। अब वॉकिंग लेग जितने भी होंगे वो अन्य टांगों की तुलना में लंबे होंगे थोड़े,
तो जितने भी इंसेक्ट है, जैसे कॉकरोच है, मान लो कॉकरोच भी जैसे तेज चलता है, ऑर्थोप्टेरा के कई इंसेक्ट है वो चलने में काम में आते हैं, कॉलियोप्टेरा ऑर्डर के जो इंसेक्ट है वो चलने के काम में आते हैं। तो इनकी जो टांगे होती है वो वॉकिंग पर्पज़ के हेतु पतली होती है, इलांगेट होती है और काफ़ी डेलिकेट होती है। नेक्स्ट इज फॉरेजियल लेग्स। अब फॉरेजियल में नाम से स्पष्ट है, फॉरेजिंग फीडिंग है वो अलग टेक्निक है, फॉरेजिंग है वो अलग टेक्निक है। फॉरेजिंग का अर्थ होता है भोजन की तलाश करना, भोजन को कलेक्ट करना। फीडिंग का अर्थ है कलेक्ट किए भोजन को माउथ के अंदर निगलना। तो कई इंसेक्ट हैं जिसमें टांगों का यूज भोजन की तलाश में होता है, फॉरेजिंग करने में होता है, पॉलन को कलेक्ट करने में होता है, नेक्टर को कलेक्ट करने में होता है। तो मधुमक्खी में जैसे होता है, मधुमक्खी फ्लावर्स के गार्डन में जब भी जाती है तो फ्लावर के जो नेक्टार्स हैं, पॉलन्स हैं, उनको वो कलेक्ट करके अपनी टांगों में एक टोकरी के समान रचना होती है जिसको पॉलन बास्केट बोलते हैं। पॉलन बास्केट के अंदर ये कलेक्ट करके ले आती है। इसके अलावा और भी कई इंसेक्ट हैं जिस जो इन टांगों का यूज होता है भोजन को सर्च करने में, है जिस तरह पिकॉक को, बर्ड्स को भी जैसे आपने देखा होगा कि कहीं पर जहाँ पर ये डंप एरिया होती है वहाँ पर अपनी टांगों से वो इंसेक्ट को, भोजन को खोदते रहते हैं, तलाशते रहते हैं। तो फॉरेजिंग में पर्पज़ में जो टांगे काम में आती है वो टांगे किस नाम से जानी जाएगी, फॉरेजियल लेग के नाम से। और स्टीडुलेटिंग जो टांगे होती है, स्टीडुलेटिंग टांगे हैं ये साउंड प्रोडक्शन से रिलेटेड है। और इसमें जो क्रिकेट है जैसे हाउस क्रिकेट झिंगूर जैसे होता है, जंगल क्रिकेट है, बुश क्रिकेट्स हैं, कैटीडिट्स हैं, है इसके अलावा और भी कई इंसेक्ट हैं जो नाइट में, यदि आप जंगलों में खेतों में आप नाइट में जाओ तो आपको नेचर के सॉन्ग, इंसेक्ट के सॉन्ग आपको सैकड़ों वैरायटी के आपको सुनने को मिलेंगे। और इन टांगों में क्या होता है कि इनमें जो टीबिया जो होती है, टीबिया विशेषकर लंबी होती है और इंसेक्ट में पंख है वो इसके अंदर फोल्डेड होते हैं प्लीटेड के रूप में। तो ये क्या करते हैं अपनी टांगों को अग्र जो पंख हैं उसके ऊपर है, जिस तरह ये बोपों के जो राउंड हत्ते जैसे होते हैं, सारंगी होती है तो सारंगी में जिस तरह हत्ते को जैसे उस वायर के कॉर्ड में जैसे ये रब करते हैं साउंड प्रोड्यूस होती है, उसी तरह ये इंसेक्ट भी अपनी टांगों को अपने फोल्डेड विंग्स के ऊपर यूँ आगे पीछे ऐसे रब करती है और उस रब के कारण इनमें जो ध्वनि जो है वो उत्पन्न होती है, चर्पिंग साउंड है उत्पन्न होती है। और इन साउंड का भी, इन साउंड में भी बहुत एकॉस्टिक बिहेवियर पे रिसर्च हो चुकी है, सैकड़ों PhD है अवार्ड हो चुकी है। हर इंसेक्ट की चर्पिंग साउंड है वो अलग अलग है, स्पीसी स्पेसिफिक होती है, हर कॉल के अलग अलग मीनिंग है। इनके अंदर भी मैटिंग कॉल होती है, थ्रेटनिंग कॉल होती है, वार्निंग कॉल होती है, फॉरेजिंग की अलग कॉल होती है। तो ये भी एक बायोएकॉस्टिक का एक बहुत ही अच्छा एरिया है आजकल, और गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी में इस तरह की रिसर्च चल रही है जहाँ पर इंसेक्ट की, बर्ड्स की साउंड को रिकॉर्ड किया जाता है और फिर कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर के द्वारा इनका ऑसिलोग्राफ जो होते हैं वो बनाए जाते हैं, उनकी एनालिसिस की जाती है। तो ये ओवरऑल एक शॉर्ट में कॉन्क्रीट आइडिया इंसेक्ट की टांगों के बारे में। तो एक बार नटसेल में फिर मैं ब्रीफ कर दूँ। एक इंसेक्ट की जो टांगे हैं उसमें 6 पार्ट होते हैं, कॉक्सा, ट्रंकेटर, फीमर, टीबिया, टार्सस और प्रीटार्सस। अब हर इंसेक्ट की हैबिट और हैबिटाट अलग अलग होती है। हैबिट और हैबिटाट के अकॉर्डिंग इंसेक्ट में लगभग 9 तरह की टांगे पाई जाती है, जिसमें डिगिंग लेग मिट्टी में गड्ढे खोदने काम में आती है, ग्रेस्पिंग लेग शिकार को पकड़ने काम में आती है, ग्रूमिंग लेग एंटीना और बॉडी के अपेंडेजेस को साफ सफाई करने में काम में आती है, जंपिंग लेग छलांग लगाने में काम में आती है, स्विमिंग लेग पानी में तैरने में काम में आती है, क्लिंगिंग लेग ये जनरली एक्टोपैरासिटिक इंसेक्ट मिलती है और किसी भी फाइबर हेयर नामक रचना से लटकने में काम में आएगी, वॉकिंग लेग है ये चलने में काम में आती है, फॉरेजियल लेग भोजन की तलाश करने में काम में आती है, और स्टीडुलेटिंग ऑर्गन ये साउंड प्रोडक्शंस में काम में आती है। तो ये एक ब्रीफ आइडिया इंसेक्ट की टांगों के बारे में। और एक बार मैं पुणे मेरे डिपार्टमेंट की तरफ से, हमारे महाविद्यालय की तरफ से, मेरी तरफ से आई एम हाईली थैंकफुल टू यू फॉर क्वाइट लिसनिंग ऑफ दिस लेक्चर। और इसमें किसी भी तरह की आपकी कोई क्वेरी हो, कोई शंका हो, कोई भी क्वेश्चंस हो, आप निसंकोच हमसे संपर्क करके पूछ सकते हैं और हम आपकी जितनी भी क्वेरीज हैं उनका हम रिप्लाई करेंगे।
और एक बार मैं पुनः हाईली थैंकफुल टू यू, हाईली ग्रेटफुल टू यू. हैव ए गुड डे, हैव ए ग्रेट डे. थैंक यू वेरी मच.